डियर स्टूडेंट्स, आज असी पढ़ांगे इनफ्रिक्शन लैडर एंड बीम प्रॉब्लम। साडे कोल लैडर है विच रेस्ट अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द वॉल। द लेंथ ऑफ लैडर इज एल एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द फुट इज सी एंड इट्स इंक्लिनेशन टू द हॉरिजन इज अल्फा। Then show that if the wall is smooth, the coefficient of friction between foot and ground is c cot alpha upon l. Suppose A B साड़ी ladder है, C is the center of gravity है, R and S are the reactions at point A and B, O B साड़ी wall है, A O साड़ी floor है, क्योंकि wall स्मूथ है इस करके देर इज नो फ्रिक्शन, ग्राउंड साडा रफ है तो फ्रिक्शन होएगा ए ओ दे अलोंग, क्योंकि साड़ी जी लैडर है उसका जो लोअर एंड है दैट विल ट्राई टू स्लाइड अवे फ्रॉम द वॉल, तो जी जी सा फ्रिक्शन होएगी वो होएगी टुआर्ड द वॉल अलोंग ए ओ। तो असी सारे फोर्सेस नू असी रिजॉल्व करिए अलोंग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पोजिशंस। तो साढ़े को हॉरिजेंटल, क्योंकि साडा सिस्टम इक्विलिब्रियम च है, तो हॉरिजेंटल फोर्स एंड वर्टिकल फोर्स विल बैलेंस ईच अदर। एस इज हॉरिजेंटल फोर्स विल बैलेंस म्यू आर, देयरफॉर एस विल बी इक्वल टू म्यू आर एंड आर विल बी इक्वल टू डब्ल्यू। आर वर्टिकली अपवर्ड है, डब्ल्यू वर्टिकली डाउनवर्ड है। आर की वैल्यू पुट करिए तो एस विल बी इक्वल टू म्यू डब्ल्यू। हुण असीं क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम च है तो इसकी प्लेन के किसी भी पॉइंट के अबाउट जी मूवमेंट हैगी टोटल मूवमेंट की होएगी, नैट मूवमेंट जीरो होएगी सिस्टम की। तो असी ए दे अबाउट मूवमेंट लैने, तो ए दे अबाउट मूवमेंट फोर्स आर म्यू आर की मूवमेंट जी है, क्योंकि असी लाइनस ऑफ एक्शन दोनों दिया ए विचों पास कर दें, देयरफॉर मूवमेंट ऑफ दीज फोर्स अबाउट ए विल बी इक्वल टू जीरो। साढ़े को दो फोर्स बाकी बचते हैं, एस फोर्स एंड म्यू डबल्यू फोर्स। डबल्यू फोर्स की मूवमेंट अबाउट ए क्लॉकवाइज होएगी, एस फोर्स की मूवमेंट जी है एंटी क्लॉकवाइज। तो दीज टू जी मूवमेंट है दीज फोर्स दियाँ एक दूजे नूं बैलेंस करनियाँ। तो मूवमेंट ऑफ डबल्यू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ डबल्यू इन टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए एल, ए एल विल बी इक्वल टू ए जी कॉस अल्फा। तो ए जी कॉस अल्फा है सी कॉस अल्फा, तो डबल्यू इंटू ए जी कॉस अल्फा इज इक्वल टू एस इंटू ए बी साइन अल्फा, क्योंकि सानू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी सी है बी ओ है, तो बी ओ इज इक्वल टू ए बी साइन अल्फा। तो असी ए जी ए बी की वैल्यू पुट करिए, एस की वैल्यू है म्यू डबल्यू, पुट करन तो बाद साडे कोल डबल्यू सी कॉस अल्फा कम्स आउट टू बी म्यू डबल्यू एल साइन अल्फा, डबल्यू कैंसल हो जाएगा। तो इत सारे को म्यू की वैल्यू आएगी सी कॉस अल्फा अपॉन एल साइन अल्फा विच इज इक्वल टू सी अपॉन एल कॉट अल्फा, सी अपॉन एल कॉट अल्फा, दिस इज द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट है एक लैडर जिस द सेंटर ऑफ ग्रैविटी, इसनों दो इक्वल दो पोर्शन बनता है, पहले पोर्शन की लेंथ ए है, दूसरे पोर्शन की लेंथ है बी। ए इसका एक एंड रफ हॉरिजेंटल फ्लोर पर है, तो दूसरा एंड जो है अगेंस्ट ए रफ वर्टिकल वॉल। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एट द वॉल एंड द फ्लोर एंड द वॉल बी म्यू एंड म्यू डैश रिस्पेक्टिवली, सो दैट द इंक्लिनेशन ऑफ लैडर टू द फ्लोर इज टैन इनवर्स ए माइनस बी यू म्यू म्यू डैश अपॉन म्यू इन टू ए प्लस बी। सपोज थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द लैडर टू द हॉरिजेंटल डायरेक्शन, सपोज जी इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड ए बी इज द लैडर, दिस इज सपोज पॉइंट ओ। क्योंकि वॉल तो फ्लोर दोनों ही रफ ने, इस करके दोनों का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दोनों पॉइंट्स लगेगा, ए पॉइंट के टुवर्ड ए ओ लगेगा, क्योंकि साडा जो लोअर एंड है वो लैडर का ट्राई टू गो अवे फ्रॉम द वॉल।
ये नीचे वाल फिसन की कोशिश करेगा अपर एंड तो साडा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपवर्ड लगेगा म्यू डैश एस आर एंड एस आर द रिएक्शन एट पॉइंट ए एन नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट ए एन बी जी इज द सेंटर ऑफ ग्रैविटी दिस पोर्शन इस पोर्शन की लेंथ साढ़े को ए है इस पोर्शन की लेंथ साढ़े को बी है डबल्यू वेट ऑफ द लैडर एक्स वर्टिकली डाउनवर्ड क्योंकि साडा सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो असं सारे फोर्स रिजॉल्व करिए अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन तो हॉरिजॉन्टल फोर्स एस विल बैलेंस म्यू आर एंड वर्टिकल अपवर्ड फोर्स आर एंड म्यू डैश एस विल बी बैलेंस बाय डबल्यू तो डबल्यू साढ़े को है आर प्लस म्यू असी आर की वैल्यू पुट एस की वैल्यू पुट करिए एस साढ़े को है म्यू आर तो डबल्यू विल बी इक्वल टू आर प्लस म्यू डैश म्यू आर हूँ असी मूवमेंट लीए किसी पॉइंट के अबाउट इस दी प्लेन दे विच तो मूवमेंट अबाउट ए तो मूवमेंट ऑफ आर म्यू आर क्योंकि दोनों लाइनज ऑफ एक्शन ए विचों पास कर दें इस करके इन दोनों का मूवमेंट की होएगा अबाउट ए जीरो होएगा हूँ साढ़े को तीन फोर्स बाकी ने इन्हों डबल्यू का मूवमेंट क्लॉकवाइज है बाकी जो दो फोर्स ने एस और म्यू डैश एस इन दोहों का एंटी क्लॉकवाइज है तो इन दोहों का एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट विल बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट तो मूवमेंट ऑफ डबल्यू विल बी इक्वल टू ए कॉस थीटा डबल्यू ए कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एस इंटू बी ओ बी ओ है ए प्लस बी साइन थीटा एंड म्यू डैश एस का मूवमेंट होएगा म्यू डैश एस इंटू ए ओ ए प्लस बी कॉस थीटा असी दोनों पासे कॉस डिवाइड करिए डबल्यू ए इज इक्वल टू एस ए प्लस बी साइन अपॉन कॉस टेन थीटा प्लस म्यू डैश एस कॉस ना कॉस कैंसिल हो गया म्यू डैश एस ए प्लस बी डबल्यू की वैल्यू पुट करो आर प्लस म्यू डैश प्लस म्यू आर असी पुट करते हैं इतने इज इक्वल टू म्यू आर ए प्लस बी टेन थीटा म्यू डैश म्यू आर ए प्लस बी असी रीअरेंज करिए म्यू डैश असी इस लिखिए तो साढ़े को है आर ए प्लस म्यू डैश डैश म्यू आर ए इज इक्वल टू म्यू आर ए प्लस ए ए प्लस बी टेन थीटा प्लस ए म्यू म्यू डैश आर प्लस बी म्यू म्यू डैश आर आर सारा चो कैंसल हो गया साढ़े को बचा ए प्लस ए म्यू डैश म्यू ए प्लस बी टेन थीटा ए म्यू म्यू डैश प्लस बी म्यू म्यू डैश ए म्यू डैश दोनों पास कैंसल हो गया तो साढ़े को बचा म्यू ए प्लस बी टेन थीटा इज इक्वल टू ए माइनस बी म्यू म्यू डैश तो टेन थीटा आएगा ए माइनस बी म्यू म्यू डैश अपॉन म्यू इंटू ए प्लस बी इस को थीटा की वैल्यू आएगी टेन इनवर्स ए माइनस बी म्यू म्यू डैश अपॉन म्यू प्लस म्यू इंटू ए प्लस बी दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट नाउ सी दिस नेक्स्ट एग्जाम्पल ए यूनिफॉर्म लैडर ऑफ लेंथ एल रेस्ट ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विद इट्स अपर एंड प्रोजेक्टिंग स्लाइटली ओवर ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल रेल एट ए हाइट ए इफ द लैडर इज अबाउट टू स्लिप एंड लैमडा इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन विद द ग्राउंड देन प्रूव दैट टेन लैमडा इज इक्वल टू ए इंटू अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर Suppose inclination of ladders to the ground is equal to theta. AB is the ladder, and suppose R and S be the normal directions at point A and B. G is the center of gravity and weight W acts vertically downward.
क्योंकि साढ़े को जी है ग्राउंड रफ है तो म्यू आर विल बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अलोंग ए ओ साडा जो थोड़ा जहा लैडर का अपर एंड जोड़ा है वह प्रोजेक्ट करता है स्लाइटली ओवर द समूथ होरिजेंटल रेल तो जोड़ा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होएगा वो इस लैडर के सॉरी नॉर्मल रिएक्शन होएगा उस लैडर के नॉर्मल होएगा इज इक्वल टू एस विच मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल असी इन सारे फोर्स होरिजेंटल वर्टिकल डायरेक्शन रिजॉल्व करिए तो इस एस के दो कंपोनेंट होंगे एस साइन थीटा अलोंग होरिजेंटल एंड एस कॉस थीटा अलोंग वर्टिकल तो म्यू आर विल बी बैलेंस्ड बाय एस साइन थीटा अपवर्ड फोर्स दो ने आर कॉस थीटा ते आर सॉरी एस कॉस थीटा ते आर दैट विल बी बैलेंस्ड बाय डबल्यू हाँ जी देयरफोर असी पुट करिए इस नूं असी म्यू नाल मल्टीप्लाई करिए तो म्यू आर प्लस म्यू एस कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू डबल्यू म्यू आर की वैल्यू पुट करो इज इक्वल टू एस साइन थीटा दैन एस साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू डबल्यू साढ़े को इतने साढ़े को एस कॉमन आ गया एस कॉमन साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू डबल्यू तो हूँ असी पॉइंट ए दे अबाउट मूवमेंट लेने क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो नैट मूवमेंट अबाउट ए विल बी इक्वल टू जीरो तो क्योंकि जो फोर्स आर ते म्यू आर ने इस पॉइंट ए चो पास कर दिया लाइनस ऑफ एक्शन इन्हों का सपोज इन्हों का देयरफोर इन्हों का मूवमेंट जो है अबाउट ए जोड़ा है वो जीरो होएगा तो साढ़े को बाकी फोर्स जो बच रहे हैं वो है जी सॉरी डबल्यू वेट इसका मूवमेंट जो होएगा वो क्लॉकवाइज होएगा एस साइन थीटा का मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज तो एस कॉस थीटा का मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज होएगा जहाँ अं कह सकते हैं एस का मूवमेंट विच इज़ द रिजल्टेंट ऑफ एस कॉस थीटा एंड एस साइन थीटा तो डबल्यू का मूवमेंट होएगा डबल्यू इन टू ए बी का हाफ क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी साडा मिड पॉइंट है ए बी बाय टू कॉस थीटा विच इज इक्वल टू ए एल इज इक्वल टू एस इंटू ए बी दोनों पास कैंसिल हो गया तो डबल्यू कॉस इज इक्वल टू टू एस एंड एस इज इक्वल टू साढ़े को है डबल्यू अपॉन म्यू डबल्यू अपॉन साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा असी वैल्यू पुट की है रीअरेंज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो बाद साढ़े को म्यू की वैल्यू आएगी साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन टू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हूँ असं देखते हैं ट्राइंगल ए ओ बी इस दे विच क्योंकि लैडर की लेंथ एल है तो ए साढ़े को हाइट जी है ए है तो साइन थीटा होएगा ए अपॉन एल इतों कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी एंड टेन लैमडा जोड़ा होएगा क्योंकि साढ़े को जो लैडर अबाउट टू स्लिप होएगी दैन थीटा विल बी इक्वल टू लैमडा तो टेन लैमडा जी वैल्यू आएगी वो आएगी टेन लैमडा इक्वल टू म्यू है तो म्यू साढ़े को आएगा म्यू है साढ़े को साइन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन टू माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा साढ़े को साइन थीटा की वैल्यू है ए अपॉन एल कॉस की वैल्यू है साढ़े को एल स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर रूट अपॉन एल अपॉन टू माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा सॉल्व करने के बाद साढ़े को टेन लैमडा की वैल्यू आ रही है ए इंटू वन रूट ऑफ एल स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन एल स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट नैक्सट है साढ़े को यूनिफॉर्म लैडर रेस्ट है रेस्ट ऑन एट एन एंगल ऑफ 45 विद द हॉरिजॉन्टल विद इट्स अपर एक्सट्रीमिटी अगेंस्ट ए रफ वॉल एंड इट्स लोअर एक्सट्रीमिटी ऑन द रफ ग्राउंड विद कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू डैश एंड म्यू रिस्पेक्टिवली शो दैट द लीस्ट हॉरिजॉन्टल फोर्स
which would move the lower extremity towards wall is 1 by 2 w 1 plus 2 mu minus mu mu dash upon 1 minus mu dash. Suppose P be the horizontal force applied at the lower end extremity to move the ladder toward the wall. यूनिफॉर्म लैडर है वो एक एंगल बना रही है 45 विद हॉरिजॉन्टल, इस द अपर एंड जड़ा है वो वॉल नाल रफ वॉल नाल रखे हुआ है, तो इस नू लोअर एंड नू असी फोर्स लगा के असी पी नाल नू होल्ड करते हैं, पी फोर्स लगाने हैं विच इज अप्लाइड एट द लोअर एंड टू मूव द लैडर टू आर द वॉल, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀ ਫੋਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਵਾਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਲੋਅਰ ਐਂਡ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਊ ਆਰ ਵਿਲ ਬੀ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਵਾਲ, ਅਤੇ ਮਿਊ ਡੈਸ਼ ਐਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਡਾਊਨਵਰਡ ਹੋਏਗਾ। ਐਸ ਆਰ ਅਤੇ ਐਸ ਕੀ ਨੇ ਨੋਰਮਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ ਏ ਐਂਡ ਬੀ ਐਂਡ ਐਟ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਡਬਲਿਊ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰੀਜੈਂਟਲ ਅਤੇ ਵਰਟੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰੀਏ, ਦੈਨ ਐਸ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ एस ते म्यू आर ये लैफ्ट साइड में एक्ट करते हैं विल बी इक्वल टू पी एंड आर वर्टिकली अपवर्ड विल बी इक्वल टू म्यू डैश एस प्लस डब्ल्यू। सर्कुलर एस की वैल्यू आएगी एस इज इक्वल टू पी माइनस म्यू आर, पी माइनस म्यू असी आर की वैल्यू पुट करिए माइनस डब्ल्यू माइनस म्यू डैश एस। इस रिलेशन सर को एस की वैल्यू आ रही है प्यू पी माइनस म्यू डबल्यू अपॉन वन प्लस म्यू म्यू डैश। हूँ असी पॉइंट ए दे अबाउट मूवमेंट लीए तो जिहड़े फोर्स ए विचों पास करते हैं उन्होंने मूवमेंट तो ए दे अबाउट जीरो होएगी। सारे को बाकी फोर्स कि बच गए डबल्यू एस तो म्यू डैश एस। डबल्यू की मूवमेंट क्लॉकवाइज होएगी, दिस विल बी बैलेंस्ड बाय डबल्यू तो म्यू डैश एस दी, this will be balanced by the movement of S which is anti-clockwise. The W movement hoegi AB half into cos of 45, the mu dash S di hoegi mu dash S into AO, AO saade kol hai AB cos 45, S di movement balance karegi isnu, S di movement hoegi S into BO, the BO hoega AB साइन 45। तो ये सारिया क्योंकि कॉस 45 साइन 45 की वैल्यू सेम होंगी इस करके कैंसल हो गए, डबल्यू प्लस ए बी भी कैंसल हो गया सारे टर्म के विचों, तो डबल्यू प्लस टू म्यू एस म्यू डैश एस इज इक्वल टू टू एस। इस मुद्दे दूसरी पता लै जाओ डबल्यू विल बी इक्वल टू टू कॉमन वन माइनस म्यू डैश एस, तो एस की वैल्यू साढ़े को है पी माइनस म्यू डबल्यू अपॉन वन प्लस म्यू म्यू डैश। वैल्यू पुट करने के बाद रीरेंज करो साढ़े को पी की वैल्यू आ जाएगी डबल्यू इंटू वन प्लस टू म्यू माइनस म्यू डैश अपॉन टू इंटू वन माइनस म्यू डैश। नाउ सी दिस एग्जांपल, ए रॉड है, ए यूनिफॉर्म रॉड इज इन लिमिट इक्विलिब्रियम वन एंड रेस्टिंग ऑन रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड अदर ऑन ए इक्वली रफ plane inclined an angle alpha to the horizon, prove that inclination theta of the rod to the horizontal is given by this relation. हाँ जी, ये horizontal plane है, ये rough inclined plane है, rod साड़ी AB है, इस दोनों प्लेन के ऊपर रेस्ट कर रही है, दोनों रफ ने, इस करके दोहों का जो कोफिशिएंट फ्रिक्शन की है वो सेम है। ए अते बी पॉइंट ते दो रिएक्शंस एक्ट करनी है आर ए एस होएगा, दोहों में एंगल ऑफ फ्रिक्शन सेम होएगा, ए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा, म्यू आर जिहड़ा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होएगा अलोंग ए ओ एंड म्यू एस बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अलोंग ओ बी।
ए पॉइंट से आर अते म्यू आर द रिजल्टेंट है दिस वन एंड एस अते म्यू एस द रिजल्टेंट है दिस वन दीज टू फोर्स विल रिजल्टेंट विल इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ एंड फोर्स जेड़ा है डबल्यू वेट ऑफ द रॉड विल एक्ट एट जी क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम च है तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो तीसरा फोर्स द लाइन ऑफ एक्शन भी इस ओ विचों पास करेगी ए एंगल लैमडा है दैन एंगल ओ जी बी विल बी इक्वल ए थीटा है ए की होएगा 90 माइनस थीटा ए भी 90 माइनस थीटा होएगा तो जी ओ बी विल बी इक्वल टू ए लैमडा है तो यह साडा अल्फा है क्योंकि गिवन है सानू अल्फा अल्फा दिस द अल्फा एंड दिस विल बी इक्वल टू लैमडा माइनस अल्फा तो असी एम एन थ्योरम अप्लाई करिए ऑन ट्राइंगल ओ ए बी दैन ए जी प्लस जी बी इंटू कॉट ऑफ थीटा कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ए जी कॉट लैमडा माइनस जी बी कॉट अल्फा माइनस लैमडा क्योंकि जी साडा मिड पॉइंट है ए बी का ए जी एंड जी बी विल बी इक्वल टू सेम लेंथ तो मिड जी मिड पॉइंट होएगा ए जी विल बी इक्वल टू जी बी तो इसमें लिखेंगे टू ए जी सारा जो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ए जी जी बी इक्वल ने तो दिस विल बी इक्वल टू टू टेन थीटा माइनस कॉट लैमडा माइनस कॉट अल्फा माइनस लैमडा इसनों आप कॉस लैमडा अपॉन साइन लैमडा इसनों से कॉस अल्फा माइनस लैमडा अपॉन साइन अल्फा माइनस लैमडा लिखेंगे तो टेन थीटा आता है एलसीएम वगैरह ले लो साढ़े को आएगा दिस विल बी इक्वल टू साइन अल्फा माइनस टू लैमडा अपॉन टू साइन अल्फा माइनस लैमडा साइन लैमडा तो इस स्टूडेंट सारे कुछ प्रॉब्लम सगिया जिद असी लैडर्स के बीम के नाल संबंधित क्वेश्चन किए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कंसिडर किया तो नैक्सट असी फ्रिक्शन का ही कुछ होर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा नैक्सट वीडियो के।